स्टेप हिमाचल के सभी विद्यार्थियों को मेरा यानी योगेश का स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। ये हफ्ता जो है पूरा का पूरा दोस्तों आपका बड़ा अच्छे से है, जो आपने पढ़ाई की है मैं यही उम्मीद करता हूँ। और आप जल्दी से मुझे बताएं भी दोस्तों जो है आपकी जो तैयारी कैसे रही इस हफ्ते में, इस महीने में, और आगे जो आने वाले हफ्ते हैं दोस्तों, और उनमें हम और ज़्यादा है बेटर मेहनत करें ताकि जो है नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है और भी कई सारे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छे से हम प्रिपेयर कर पाएँ। और साथ ही साथ अपनी हेल्थ का दोस्तों, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो दोस्तों फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। पढ़ाई आज कम हुई है वो कल ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोस्तों सेहत अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा टाइम का लॉस हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जी सबका स्वागत है, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और जितने भी बच्चे आ रहे हैं जी जिनका नाम दोस्तों जो है दिख रहा है और जो आने वाले भी हैं और बाद में जो ऑफलाइन भी आएंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सेशन को है दोस्तों सभी अपने सभी दोस्तों के साथ है शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप शेयर कर सकते हैं हमारे इस जो YouTube के लिंक को है, अपने जितने भी आपके WhatsApp ग्रुप हैं, जहां पर भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को और ऊपर लेके आना चाहते हैं, या दोस्तों जिंदगी में जो है कई और नई नई इवेंट्स, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम्स के अलावा भी बहुत सारे इस तरह के भी लोग होते हैं जो नए नए इवेंट्स को जानने के बड़े इच्छुक हैं, तो वहां तक भी जरूर शेयर किया कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों है आप जब ये करते हैं तो वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशनल का फैक्टर जरूर बनता है। तो शुरुआत करते हैं आज का जो सेशन है, लेकिन उससे पहले आज का जो विचार दोस्तों बड़ा खूबसूरत विचार है, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों अक्सर क्या है कि जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से हुई है और उनको लगता है कि फिलहाल हम अभी क्लेरिकल ही कर पाएंगे, फिलहाल हम जो है कोई बड़े एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाएंगे, तो एटलीस्ट जो जितना आप सोच रहे हैं उतना जरूर करें, क्योंकि आप जितना जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे फिर जो है दोस्तों अगली मंजिल को है आप अपना मकसद बना पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट पहली मंजिल है उसको तो हम फतेह करें। बड़ी खूबसूरत चीज लिखी है, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें, जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आप उससे भी आगे देख पाओगे। तो हमें सबसे पहले पहला स्टेशन है वहां पहुंचना है, उसे फतेह करना है, फिर हम दूसरा स्टेशन, फिर तीसरा स्टेशन। और दोस्तों अगर आपको सबसे पहले ही जो है तीसरे स्टेशन पे पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो जरूरी है कि आप उतनी मेहनत कीजिए जितनी मेहनत कोई इंसान 4 साल में कर रहा है आप 1 साल में कीजिए, जितना सेक्रीफाइस कोई 4 साल में कर रहा है तो आप 1 ही साल में कीजिए, ताकि आपके लिए पहली स्टेज 1 2 3 हो ही ना, डायरेक्ट आप वहां पर पहुंच पाए जिस अवसर दोस्तों उस कुर्सी तक जहां तक आपका सपना है दोस्तों, आपके माँ बाप का सपना है। तो चलते हैं दोस्तों आज की हेडलाइंस पर, किन किन मुद्दों पर है आज जो है डिस्कशन होगा, उन सभी दोस्तों जो है मुद्दों को, उन न्यूज को है सबसे पहले रीड आउट किया जाएगा। लेकिन बच्चे जो साथ साथ आ रहे हैं सेशन को शेयर लाइक है जरूर है करते रहें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो है पहली जो न्यूज़ है उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी दे चुका हूं, जो मैं ऑलरेडी आपको जो दोस्तों काफ़ी मीटिंग्स के वेन्यूज़ दे चुका हूं, उनकी फुल फॉर्म्स दे चुका हूं, तो वो आपको ज़रूर याद हो गए होंगे। और इस तरह की बहुत सारी नई नई और एडवांस हैं अगले हफ्ते भी होती रहेगी। दोस्तों सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस की, तो CGTMSE, इसका जो है नाम से ही काफी कुछ क्लियर है दोस्तों। ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, मतलब जब भी आप क्रेडिट लेंगे बैंक से, और उसका पर्पस क्या होगा, उसका पर्पस होगा आप कोई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़ा बिजनेस, उसके अधीन आ रहा कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपकी पूरी की पूरी जो लोन की गारंटी CGTMSE ले लेता है। और दोस्तों ये जो लोन्स हैं आप ले सकते थे कई सारे बैंकों से, लेकिन अब न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि अब इसमें बहुत सारे जो नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो अब जो है इसी स्कीम के तहत दोस्तों हम मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम करेंगे। और जहां तक इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी ताकि भारत में जो लघु व्यापार है उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए, लोगों का विश्वास बढ़ सके। तो इसको उस समय दोस्तों सिडबी ने और स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने है लॉन्च किया था। तो सिडबी का जो जिक्र है आज भी हो रहा है, कल भी किया था, आपको याद होगा ना, बंगाल में एक
नया इनिशिएटिव जो है वुमेन्स के लिए लेकर आया है सेट भी, उसका नाम जरूर बता दें साथ ही साथ दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर भी बताया था वो भी आपको जरूर पता होगा। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिर दूसरी जो न्यूज है वो जुड़ी है यूक्रेन और जो रशिया के बीच है दोस्तों युद्ध का तनाव चल रहा है उसको लेकर। तो ये जो मिंस्क दोस्तों ये बेलारूस की राजधानी है और यहाँ पर 2014 और 2015 में दो एग्रीमेंट्स हुए थे, मिंस्क एग्रीमेंट 1 2014 फिर मिंस्क एग्रीमेंट 2 2015 जहां पर सीज फायर है कर दिया गया था, जो युद्ध के उस वक्त भी आसार लग रहे थे। तो दोस्तों वो आजकल फिर दोबारा से चर्चा में है, यूक्रेन एंड रशिया बैक सेपरेटिस्ट एग्रीडेड 12 पॉइंट सीज फायर डील इन। तो दोस्तों ये 2014 की ये जो डील है लोग याद करवा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह का ये जो युद्ध दोस्तों जिसकी आशंका लग रही है तो ये होता है तो इसका पूरी दुनिया पर है बड़ा गहरा असर है और बड़ा नेगेटिव असर है, इकोनॉमिकली पड़ सकता है। तो इसके बारे में है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा दोस्तों UPI यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज, जिसमें सभी जो भारत के बैंक हैं तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम पर आकर आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप किसी भी तरह का लेन देन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन जो है अपनी किसी भी ऐप से, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी जैसे कि भीम ऐप है, प्राइवेट जैसे कि फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, तो वहां से आप अपनी ट्रांजेक्शन है इजिली कर पाओ। तो अब नेपाल भी जो है पहला फॉरेन कंट्री है जिसने इस UPI के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। अब इससे ये बेनिफिट होगा कि जो लोग भारत और नेपाल में है जिनका आना जाना रहता है तो वो इजिली दोस्तों है नेपाल के लोग जो है उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर, या भारत के लोग नेपाल में उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे है इजिली अपनी ट्रांसफर है उनको फैसिलिटेट कर पाएंगे। तो दोस्तों नेपाल जिसका राजधानी है काठमांडू, जो कि सारक के हेडक्वार्टर के तौर पे भी हम उसे जानते हैं। चौथा प्रश्न जुड़ा है तमिलनाडु से दोस्तों, क्योंकि हमारी जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है, तो इन्होंने एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो प्रोजेक्ट है तो दोस्तों उनको खोलना है तमिलनाडु में। और ये जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है इसका काफी जो है टाइम से तमिलनाडु की गवर्नमेंट अपोज करती आ रही है, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से दोस्तों वहां पर जो है बहुत ही बड़ा पर्यावरण का जो लॉस हो जाएगा, बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, बड़े सारे जंगल इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाले वक्त में बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज भी हो सकती है। तो ये जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है ये इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज और आयरन कैलोरोमीटर डिटेक्टर हैं दोस्तों बनाए जाएंगे ताकि न्यूट्रिनोस को जो है उसके ऊपर स्टडी की जाए, उनके ऊपर R&D कर दी जाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु ने बोल दिया है कि हम नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट है जो तमिलनाडु में आए, कहीं और है, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। फिर अगली न्यूज है, ये न्यूज एक दोस्तों फेस्टिवल से जुड़ी है और ये जो एनिमल फेस्टिवल है, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं जलीकट्टू के बारे में जो कि तमिलनाडु में है दोस्तों हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में पशु वाला पंगुड़ा, मैं इसका नाम एक बार फिर ले लेता हूँ, नाम है पशु वाला पंडुगा। तो ये जो फेस्टिवल है हर साल जिसके तहत बहुत सारी गाय और बोल्स हैं दोस्तों, बैलों की रेस है लगवाई जाती है और हर साल है बड़े सारे लोग इस फेस्टिवल के दोस्तों दौरान है जख्मी भी हो जाते हैं, और हालांकि बड़ा खतरनाक है लेकिन परंपराएं चलती आ रही हैं कई सही 100 वर्षों से, तो लोग हैं इसे दोस्तों हर्षोल्लास के साथ ऑब्जर्व करते हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो फेस्टिवल है जैसे जलीकट्टू तमिलनाडु में, और ये जो फेस्टिवल है पशु वाला पंगुड़ा ये हमारे हिमाचल दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश इसका जिक्र हमने पहले भी काफी बार किया है, काफी सारी न्यूज जैसे कि इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट हैं 13 थे 13 और एड ऑन कर दिए हैं, आपको जरूर याद होगा। और दोस्तों इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश के कई सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम बात करें इसरो का दोस्तों, चाहे वो सैटेलाइट है वहीं से लॉन्च किए जाते हैं, और बड़े सारे जो पॉइंट्स अलग अलग जो मैं आपको बहुत दिनों से बहुत हफ्तों से स्टेट वाइज लिखवा ही रहा हूं, आपने है लिख ही लिए होंगे। तो आप मुझे है मंडे तक जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मंडे तक आप मुझे बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो न्यूज है कौन से स्टेट से बन रही है, अगर मैं पिछले 2-3 महीने का जिक्र करूं और वो सारी की सारी जो न्यूज है जिसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट है कवर होंगे वो हम अगले हफ्ते से आपसे मैं पूछने भी शुरू कर दूंगा। तो चलते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज दोस्तों बर्ड फ्लू की न्यूज है, और ये जो H5N1 ये जो बर्ड फ्लू है इसकी वजह से महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों की जो हालात हैं, जो हेल्थ है वो खराब हुई है और कुछ लोगों के मरने की भी आशंका जताई जा रही है। तो महाराष्ट्र में ये काफी तेजी से है बढ़ रहा है जिसके कारण ये न्यूज में है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है
जेपी मॉर्गन बैंक। अब बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको ध्यान से सुनना है दोस्तों। इस न्यूज को समझने से पहले आप समझ लीजिए ये मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स दोस्तों, मेटावर्स है एक वर्चुअल यूनिवर्स है, वर्चुअल एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा बाजार हो दोस्तों, और वो जो बहुत बहुत सारे शहर हो इसके अंदर, जैसे हम बोल देते हैं कि जो हिमाचल है वो एक दोस्तों एक एक जगह का नाम है, एक स्टेट का नाम है, और वहां पर अलग अलग शहर हैं। वैसे ही मेटावर्स एक बहुत बड़ा स्टेट है, एक वर्चुअल यूनिवर्स है, और वहां पर अलग अलग कुछ शहर है, इसमें से एक शहर है दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बड़ी हैरानी भी होगी और ये है क्या। लेकिन उससे पहले हम समझ लीजिए, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर अभी तक हम वीडियो गेम्स खेला करते थे, जहां पर दोस्तों कोविड की वजह से अब क्लासेस भी लग रही हैं, आप मुझे देख रहे हो अपने अपने शहरों में बैठ के, अपने अपने घरों में बैठ के, शायद 3-4 साल 5 साल पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हर रोज जो है डेली करंट अफेयर्स इस तरह से आपको घरों तक आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। या दोस्तों इसके अलावा हम अब करेंसीज भी आ गई हैं वर्चुअल, जो बिटकॉइन है इस तरह की। तो अब दोस्तों अब जो वर्चुअल ये जो यूनिवर्स है, यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अब अपनी आप जमीनें भी खरीद सकते हैं दोस्तों, अपने प्लॉट खरीद सकते हैं, उनको आप बेच भी सकते हैं, उनको आप किराए पर भी दे सकते हैं, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, और उनमें से एक प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड। और जहां पर अब जो है अपनी दुकान खोली है जेपी मॉर्गन ने, मतलब वहां पर आपको लोन्स लेने हैं, आपको पैसा नहीं है, लोन फैसिलिटी चाहिए, तो उस फैसिलिटी को है दोस्तों प्रोवाइड करेगा जेपी मॉर्गन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। अब जैसे हिंदुस्तान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, वैसे ही यूएसए में जेपी मॉर्गन सबसे बड़ा बैंक है जी। फिर जो है अगली न्यूज है हमारी दोस्तों चैंपियंस लीग से जुड़ी हुई, और इसके जो इस साल के विनर हैं वो चेल्सिया क्लब है दोस्तों, जिन्होंने इस साल पैलमीरिया क्लब को हरा के ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है जीत लिया है। और बिहार में है दोस्तों हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मतलब मनाया जा ऑब्जर्व किया जाता है, पूरी भारत में बोल सकते हैं बिहार का ये शहीद दिवस, क्योंकि मुंगेर जो डिस्ट्रिक्ट था बिहार में दोस्तों, वहां पर तारापुर नाम का एक टाउन जहां पर 34 फ्रीडम फाइटर्स को है अंग्रेजों ने है दोस्तों 1932 में मार दिया था, क्योंकि उनकी गलती थी कि उन्होंने भारत का जो झंडा था वहां फहरा दिया था अंग्रेजों के झंडों को उतार को। तो दोस्तों इस वजह से हर साल जो है वहां पर इन शहीदों की याद में शहीद दिवस है बिहार में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये है आज के हमारे दोस्तों जो टॉपिक्स जिन पर है आपसे एमसीक्यूज हैं पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रश्न के उत्तर है देने में सक्षम रहेंगे। और दोस्तों आप आंसर जरूर दें, चाहे गलत हो या सही हो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, एमसीक्यू पहला आने से पहले, चाहूंगा जितने भी बच्चे आ चुके हैं सेशन को शेयर और लाइक है जरूर अपने दोस्तों से कर दीजिए। लाइक बड़े कम दिख रहे हैं मुझे, तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ जितने भी बच्चे आए हैं और शेयर भी इसे जरूर कर दें। तो पहला जो प्रश्न है जुड़ा है वो है जुड़ा है दोस्तों हमारी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम से, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़ी है। तो इससे जुड़ी ये दो पॉइंट्स ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस स्कीम का जो बेनिफिट है ये है कि ये आपको कोलेट्रल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करता है अगर आप किसी भी तरह का माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ये आपकी गारंटी ले लेता है। और ये स्कीम 2000 में लॉन्च की गई थी, और इसको लॉन्च किया गया था सिडबी और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने, एमएसएमई ने। तो जल्दी से बता दें, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दोनों गलत। एमएसएमई मिनिस्टर फिलहाल जो है हमारे नितिन गडकरी जी हैं, आपको जरूर याद होगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अब उन्हें एमएसएमई इंडस्ट्री भी मिल चुकी है। तो इसका जो सही उत्तर है जल्दी से दे दें दोस्तों, और इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों दैट इज द, दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं अबाउट द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। दूसरा प्रश्न, ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट है, मिन्स्क एक शहर है बेलारूस की राजधानी, जैसे हम भारत में बात करते हैं शिमला एग्रीमेंट्स की दोस्तों, वैसे ये जो मिन्स्क एग्रीमेंट है जो 2014 और 15 में किए गए थे, तो ये किन दो देशों के बीच पीस टॉक्स को लेकर सेटलमेंट्स थी? तो यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच जो मनमुटाव है, नाटो और रशिया, यूक्रेन और रशिया, और यूएसए और रशिया। तो हालात ऐसे हैं आजकल, तो सभी न्यूज़पेपर्स हर रोज जो न्यूज चैनल्स हैं इन्हीं के बारे में बहुत सारी न्यूज देते रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर लगभग सभी बच्चों ने दे भी दिया है, सही उत्तर है इसका यूक्रेन एंड रशिया इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड हाँ जी ठीक है। तो दोस्तों साथ ही साथ जो उत्तर नहीं भी दे रहे, ठीक है, मैं हर रोज, वैसे कल भी मैंने पूछा था, तो जरूर है कोशिश कीजिए कि जो 8-10 प्रश्न हैं उनमें से एक दो प्रश्नों का उत्तर वो भी दिया करें, ताकि मुझे पता लग सके कि साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वो जो है अपने आंसर्स देते हैं और उनको आते भी हैं। और सेशन को दोस्तों शेयर लाइक है साथ साथ बिना किसी कंजूसी के
करते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वो कौन सा पहला जो है फॉरेन कंट्री है दोस्तों, विदेशी कौन सा ऐसा पहला देश है जो उसने भारत के यूपीआई सिस्टम को यूनिफाइड पेमेंट जो सर्विसेज है, यूपीआई जो सर्विसेज हैं उनको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, वैसे चारों जो ऑप्शंस हैं पड़ोसी मुल्कों की ही है दोस्तों, और ये वो मुल्क है जिसकी राजधानी है काठमांडू, और आपका जो उत्तर है बिल्कुल सही, दैट इज नेपाल इज द करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन जुड़ा है भारत के इंडिया के न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से, और ये जो इंडिया का न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी है इसको प्रपोजल है कि हमारी जो दोस्तों थर्ड पॉइंट है एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको फंड कर रहा है, और दोस्तों इसको तमिलनाडु में है खोलने की, इससे जुड़ी जो लैबोरेटरीज हैं तमिलनाडु में है खोली जा सकती हैं, और इसका मेन मकसद है कि बहुत सारी अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज और आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर है वो न्यूट्रिनोज को जो रिसर्च करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए खोल दिया जाए। तो दोस्तों ये तीन पॉइंट्स इससे जुड़े हुए, और ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं बिल्कुल ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई है और वो नहीं चाहते कि ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर खुलें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जो नेचुरल डिजास्टर भविष्य में आ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, जिस वजह से मुख्यमंत्री एम के स्टालिन उनकी जो गवर्नमेंट है वहां पर चली गई है। तो तमिलनाडु दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चौथा प्रश्न जो है, पांचवा प्रश्न वो जो है हमारा जुड़ा है पशुबुला पंडुगा कैटल, जिसमें जो है बहुत जो गाय और बल की जो है रेसिंग है करवाई जाती हैं, जैसे जलीकट्टू जो था बुल फाइटिंग थी, यहाँ पर रेसिंग है और बड़े सारे इवेंट्स हैं करवाए जाते हैं। तो ये हर साल पशु वाला पंगुड़ा कैटल किस देश दोस्तों किस जो है प्रांत में, किस स्टेट में है इसे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो आंध्रा है, कर्नाटका, केरला है, तमिलनाडु, चारों साउथ इंडिया के जो हमारे ऑप्शन हैं, और करेक्ट आंसर है एपी, मतलब आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है हमारी जो है दोस्तों जुड़ा है एनिमल डिसीजेस से। अब ये जो एनिमल डिसीजेस इनका जिक्र मैं कर रहा हूँ क्योंकि बर्ड फ्लू काफी फैल चुका है H5N1 महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यहाँ पर दो आपको डेफिनेशन है मैं बता रहा हूँ। अब पहली डेफिनेशन है एपिजोटिक से जुड़ी और दूसरी है इनजोटिक से जुड़ी हुई। मैं रिपीट करता हूँ, पहली जुड़ी है एपिजोटिक और दूसरी है इनजोटिक। एपिजोटिक का मतलब होता है कि जब दोस्तों जो बीमारी है वो बहुत ही दोस्तों बड़े स्तर पर बड़ी जल्दी फैल जाए, बड़ा इजीली करके मैंने बताया, और इनजोटिक का मतलब है जब कोई बीमारी दोस्तों फैल तो जरूर रही है लेकिन दोस्तों कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, मतलब लो लेवल पर, मतलब बड़े स्तर पे नहीं, मतलब कम ही लोग हैं उस बीमारी का, उस वायरस के शिकार हो रहे हैं, तो एपिजोटिक। तो ये जो H5N1 जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जो जो है जो दोस्तों जो लोग हैं बीमार पड़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, तो ये एपिजोटिक है, मतलब बड़ी जल्दी बड़े स्तर पे लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं, और ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्ट आंसर इज सी बोथ 1 और 2। तो इनको याद रखिए स्पेसिफिक इन टर्म्स को, एपिजोटिक और दूसरा है इनजोटिक। फिर चलते हैं सातवें प्रश्न पे। तो दुनिया का पहला बैंक जो कि दोस्तों वर्चुअल जो यूनिवर्स है दोस्तों मेटावर्स का, तो वहां पर है जो आ चुका है ताकि आप वहां पर भी अपने प्लॉट खरीद सके दोस्तों, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये जो है कौन सा ऐसा बैंक है? तो अमेरिकन बैंक है, और वहां पे कई सारे बैंक अमेरिकन है, सबसे बड़ा बैंक है अमेरिका का दोस्तों, जल्दी से बता दें आंसर, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन या बीएनपी परिबास। और जैसे ही प्रश्न का जो है मैंने पूछा तो बड़े सारे बच्चों के सही उत्तर आने भी शुरू हो चुके हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज द जेपी मॉर्गन। तो ये पहला जो है बैंक है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स ऑफ मेटावर्स में है, अपना लाउंज है, अपनी दुकान, इसने अपना ब्रांच है वहां पर खोल ली है। फिर अगला प्रश्न है 2021 का फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप है दोस्तों, ये किसने जीता है? और ये बड़े सारे जैसे हमारे भारत में आईपीएल है दोस्तों, अमेरिका में एनबीए है, तो बड़े सारे जो क्लब्स हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और बड़ा ही मशहूर क्लब है, आपने जरूर देखा होगा बड़े सारे ब्रांड्स जो हैं इसी क्लब को लेकर जो है अपने टी शर्ट्स के नाम भी लिखवा, आपने जरूर देखा होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है चेल्सिया, और चेल्सिया ने पालमेरास को हरा के इसे जीत लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और नवा प्रश्न है कि 15 फरवरी को जो बिहार में शहीद दिवस है दोस्तों, और जो जो लोग वहां पर शहीद हुए थे उनके ऑनर में जो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, लोग याद करते हैं, तो ये जो इंसिडेंट है कब हुआ था? तारापुर जो दोस्तों जो तारापुर मसाकर है जो बिहार में है, तो ये किस वर्ष में है? ये 15 फरवरी के दिन है दोस्तों, शहीद हुए थे 34 वो जवान जिन्होंने भारत का जो तिरंगा है वहां पर लहरा दिया था। तो इसके ऑप्शन 1912, 1922, 1932 और 1942।
और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों जो है वो है 1932। तो 1932 में है ये इंसिडेंट हुआ था, और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग के बाद दोस्तों वैसा ही जो माहौल है तारापुर और उस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हो गया था। और अंग्रेजों के खिलाफ फिर जो लोग हैं बड़े जो है स्तर पर है इकट्ठा होकर, उन्होंने फिर बाद में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आई उसमें भी बड़ा जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट हमारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आए होंगे आपको। और दोस्तों किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे बाद में आप कमेंट बॉक्स में है लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, और उनका जो निवारण है उनका सलूशन है डेफिनेटली है अगले लेक्चर में वो ही जाएगा। तो दोस्तों अगला है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज सेशन को जो है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है पढ़ने से पहले सेशन को शेयर और लाइक भी जरूर कर दें। और दोस्तों आज जो है तीन चार बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, और इसके अलावा जो है मैं चाहूंगा जितने भी दोस्तों लास्ट कुछ दिनों में हमने इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ाई है उनको लिखते भी रहें थोड़े छोड़े एक एक शब्द में, ताकि लास्ट में जब आप इनको रिवाइज करें तो इजिली है आप इनको घंटे नहीं मिनटों में है रिवाइज कर पाए। तो चलते हैं पहली जो न्यूज है, इसका जिक्र कुछ दिन पहले भी किया था, LIC है लगभग दोस्तों 60,000 करोड़ रुपया मार्केट से इकट्ठा करने वाला है, लगभग $8 बिलियन, और इसका जो IPO है वो मार्च 11 को आएगा। तो यहां पर ये जो शब्द है IPO, जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है, इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसका मतलब है जब कोई भी कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर्स को है मार्केट में लेकर आ रही है बेचने के लिए तो उसे हम IPO बोल देते हैं। जब वो ही कंपनी दोस्तों दूसरी बार लेकर आएगी अपने शेयर्स को, तीसरी बार लेकर आएगी, उसे हम बोल देते हैं FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो दोस्तों IPO है और 11 मार्च को है इसे LIC मोस्ट पॉबली लेकर आ रही है। तो मतलब इसका भी जो है अब हम बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन हो रही है, मतलब कुछ हिस्से को सरकार बेचने जा रही है जो अभी तक 100% LIC मतलब गवर्नमेंट के पास थी। फिर दूसरा है डिफेंस एक्सपो, दोस्तों मार्च 10 से है इसकी शुरुआत हो रही है, और इसकी जो शुरुआत है इसका जो इस साल का जो एग्जीबिशन है वो गुजरात में लगेगा, गुजरात के गांधीनगर में है दोस्तों इस साल का डिफेंस एक्सपो लगने वाला है। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले एयर शो की भी बात की थी, जल्दी से बता दें जिसमें भारत के बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वहां पर जाकर हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों, और वो कौन से देश में है उसको आयोजित किया गया है, और बड़े सारे और प्रश्न हमने डिफेंस से किए थे। कल हमने नेवी के जो है एक नई पोस्ट की बात की थी, जी अशोक कुमार किस पोस्ट के हैं जो दोस्तों नए चीफ बने हैं, भारत की आर्मी के जो तो नए वाइस चीफ कौन है, फिर CDS की भी बातें चल रही हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में नए अपॉइंट कर दिए जाए। तो डिफेंस के जो प्रश्न है वो भी साथ साथ आपको रीड आउट करने ही करने हैं। और खादी दोस्तों कपड़ों का ब्रांड, मतलब जो है बहुत सारे भारतीय जो संस्कृति से जो जो कपड़े हैं ठीक है, या फिर जो दोस्तों वो जो कपड़े रेडीमेड भी हो सकते हैं, और दोस्तों कपड़ा जो है सिंपली भी हो सकता है, तो बनाने वाली जो कंपनी खादी, और खादी जो है बड़े सारे स्टेट्स के हैंडीक्राफ्ट भी बना रही है दोस्तों। यहाँ पर जो बिहार का जो हैंडीक्राफ्ट है तो खादी ने उसको जो है प्रमोट करने के लिए मनोज तिवारी जो बिहार के बहुत बड़े भोजपुरी के बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर रहे हैं, और दोस्तों दिल्ली से BJP के सांसद भी हैं, और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ ही साथ अब आप इस प्रश्न को पढ़ ही रहे हैं तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड ने भी अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जो अक्षय कुमार जी को चुना था, उससे कुछ दिन पहले उत्तराखंड ने जो ऋषभ पंत को भी अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे चुना था। तो ये सारे जो सरकारी संस्थाओं से जुड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो आपको साथ साथ जरूर पता हो, क्योंकि इनसे जुड़े हैं जो कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं जी। तो दोस्तों इसी के साथ दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है हमारा वन लाइनर्स, और अगला जो सेक्शन है जहां पर हिमाचल से जुड़ी जो न्यूज हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो है दोस्तों सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें। तो हिमाचल से जुड़ी दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है, तो सबसे पहली जो न्यूज है उससे पहले जो बच्चे हैं, हाँ जी बिल्कुल ऑल क्लियर। तो दोस्तों जो है अब चलते हैं हिमाचल की न्यूज को लेकर, और पहली जो न्यूज है वो दोस्तों जुड़ी है वेदर इवेंट्स को लेकर। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अंडर चेंजिंग क्लाइमेट, तो दोस्तों इसको जो है हाइब्रिड मोड मतलब फिजिकल भी होगी और वर्चुअल मोड पे भी होगी, और ये कहां पर होगी, ये होगी गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दोस्तों ये कहां पर है, कुल्लू में है, और इसको आयोजित किया जाएगा 10 और 11 मार्च को। मैं रिपीट कर देता हूं कौन सी कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अंडर चेंजिंग क्लाइमेट, और इस पर ये जो गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट है दोस्तों कुल्लू में, वहां पर है इसे आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में और बहुत सारी जो जानकारी है यहाँ दी गई है, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है ये कौन सी समिट है और कहां पर होने वाली है। दूसरा प्रश्न,
है ड्रोन्स को लेकर, तो कल भी मैंने जिक्र कर ही दिया था। तो दोस्तों ड्रोन्स को है मेडिसन को जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके इजिली, ताकि दोस्तों जो है जो कोर एरियाज हैं जहां तक जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल पाती, लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो वहां पर ड्रोन्स से है जो है दवाइयां पहुंचाई जा सके। तो इसके बड़े सारे ट्रायल्स हैं चंबा में हो रहे हैं, और ये बड़ी जल्दी हो सकता है कुछ ही महीनों सालों में हकीकत में भी जो है हो जाए, कि दोस्तों इस फैसिलिटी से है लोगों को इजिली बहुत सारी डेली यूज की जो नीड्स हैं या इमरजेंसी नीड्स हैं उनकी आपूर्ति वो की जा सकती है। फिर तीसरा जो प्रश्न है वो भारत और बांग्लादेश, अब क्योंकि हमने दिसंबर के महीने से ही हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं 1971 वॉर को लेकर, 50 साल पूरे हुए हैं बांग्लादेश की क्रिएशन को लेकर, 100 साल दोस्तों सौवीं जो है जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश के जो फादर ऑफ द नेशन थे मुजीबुर रहमान। तो अब जो है 3 दिवसीय भारत और बांग्लादेश के फ्रेंडशिप डायलॉग्स हैं वो शिमला में किए जाएंगे, ताकि इन दोनों देशों के बीच दोस्तों एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, टूरिज्म को लेकर, ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर है जो नए आवाम है वो गठित किए जा सके, ताकि दोनों देशों से इसका फायदा हो और हमारी मित्रता, हमारा जो दोस्तों जो 50 साल से है हमने एक दूसरे का साथ दिया है, भविष्य में भी वो जारी रह सके। इसको लेकर बहुत सारे जो बीजेपी और आरएसएस के जो बड़े नेता हैं वो पहुंच जाएंगे, और इन दोनों देशों की जो मीटिंग्स हैं दोस्तों वहां पर होने वाली हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस मीट इन एंड क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम द मीडिया। तो मीडिया से है फिलहाल इसको दोस्तों अलग थलग ही रखा जाएगा। और लास्ट में जो है गिरिराज, नया गिरिराज आ चुका है दोस्तों, इसके जो है 15 प्रश्न हैं वो भी जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले है सेशन को शेयर लाइक है ज़्यादा जरूर करते रहें। तो ये जो 15 प्रश्न है ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो इनको हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, हिमाचल में शहीदों की याद में युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिए धर्मशाला। दूसरा प्रश्न है, प्रदेश की किन 2 विभूतियों को हाल में ही पद्मश्री प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये विद्यानंद सरैक और ललिता वकील, इन दोनों को पद्मश्री जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सर्वोच्च अवार्ड है उसे मिला है जी। तीसरा, हिमाचल में दालचीनी की संगठित खेती किस जिले में पायलट आधार पर शुरू की गई है? तो दोस्तों वो ऊना में है। चौथा प्रश्न, हिमाचल की साक्षरता दर वो 82.80% है। पांचवा, हिमाचल ने आधी बद्री बांध के निर्माण के लिए दोस्तों जो हरियाणा से है जो समझौता किया है, ताकि सरस्वती नदी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था आपको याद होगा। फिर किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है कंचनजंगा को। फिर रैनल जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है? वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। आठवां, मोलम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये गोवा में है। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा जो है ये मेघालय की है, जो का जन्म हुआ था, मेघालय को बनाया गया था असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा। दसवां प्रश्न, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए दोस्तों जो कार्बन एंड पोटाशियम के जो तत्व हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन एंड पोटाशियम के जो तत्व हैं उनसे है पता लगाया जाता है। फिर कौन सी बीमारी से कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? तो दोस्तों जो सिलिकोसिस है वहां पर जो काम करते हैं मजदूर, तो उनकी जो सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर गांव गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका उत्तर है दोमट। फिर जो है पुष्टि मार्गी के दर्शन की स्थापना जो है वो बल्लभाचार्य ने की थी। गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? दोस्तों इसे जो है सुमित्र नंदन पंत जी थे, उन्हें ही गोसाई दत्त है कहा जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये जो है दोस्तों 15 प्रश्न थे बड़े महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ जितने भी अभी तक गिरिराज के जो ये मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, एक हफ्ते में 3-4 बार मैं रिवाइज कर ही देता हूँ, तो आप उनको भी जरूर है अलग से रख के दोस्तों रीड आउट करते रहेंगे। तो अब लास्ट में है, एक बार हम रिविजन जरूर करेंगे, ताकि जो भी पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज कर दें, क्योंकि रिवाइज जो की गई चीजें हैं दोस्तों वो लंबे समय तक हमारी मेमोरी में रहती हैं और उन्हें याद करना भी आसान हो ही जाता है। तो उससे पहले सेशन है दोस्तों लाइक जरूर कर दें, और जो है लास्ट में जो रिविजन है, रिविजन में सबसे पहले हमने पढ़ा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME, ताकि जो है लोग हैं अपना बिजनेस स्थापित कर सके और उनको लोन्स की जो गारंटी है CGTMC ले सके। और अब इसमें
नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी एड ऑन हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों मिन्स्क एग्रीमेंट को लेकर है, चर्चा में है, 2014-15 में ये यूक्रेन और रशिया के इन बिटवीन हुए थे, जिसके तहत दोस्तों है जो है शांति बहाली को लेकर सीज फायर यहां पर घोषित किया गया था। फिर नेपाल पहला फॉरेन कंट्री है जो जिसने भारत का जो यूपीआई सिस्टम है अडॉप्ट कर लिया। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया है कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है वो हम जो है नहीं चाहते हैं कि तमिलनाडु में वो लग सके। फिर आंध्रा में पशु वाला पंडुगा जो फेस्टिवल है दोस्तों उसे आयोजित किया गया, बड़े सारे लोगों को है हर साल की तरह चोटें लगी, लेकिन दोस्तों परंपरा है तो हर साल होती रहेगी, जिसमें काउज और बुल्स को लेकर है जो रेसिंग है करवाई जाती है। फिर बर्ड फ्लू की वजह से महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं वो पीड़ित हो चुके हैं। फिर जेपी मॉर्गन दुनिया का पहला ऐसा बैंक है जो कि मेटावर्स जो वर्चुअल दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलैंड में है, उसकी अपनी दुकान है खोली है, अब वहां से आप जो फैसिलिटी लेके है वहां पर लोन्स वगैरह लेके प्लॉट खरीद सकेंगे। फिर क्लब वर्ल्ड कप में है उसके जो विनर हैं इस साल के वो हैं चेलसिया। लास्ट जो कृष्णदास शहीद दिवस दोस्तों जो बिहार में बड़े स्तर पे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 फरवरी को। इसके अलावा वन लाइनर्स में LIC अपना IPO 11 मार्च को लेकर आ रहा है। दूसरा है डिफेंस एक्सपो इस साल दोस्तों गांधीनगर में 10 मार्च से उसकी शुरुआत की जा रही है। और खादी का में दोस्तों जो बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपना ब्रांड बेस्ट के तौर पर मनोज तिवारी जी को जो है जो अपॉइंट कर लिया है। दोस्तों इसी के साथ आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ सब तरह के जो प्रश्न है अच्छे तरीके से आपको समझ जरूर आ गए होंगे, और फिर भी किसी भी तरह का डाउट है कोई सजेशंस हो आपके या कुछ भी आपको बोलना है दोस्तों जरूर है कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार हैं अपने जो शुद्ध विचार हैं हमें जरूर दिया कीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें आपके विचारों से आपके सेशन से। और साथ ही साथ है दोस्तों जो है सेशन को शेयर लाइक करें और अगले हफ्ते मतलब सोमवार को फिर एक नए सेशन के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दोस्तों जो आभार और थैंक यू सो मच।